सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही इजी बन जाती है और बहुत ही अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी और आप कुछ स्पेशल खाना चाह रहे हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और बहुत विद इन 20 मिनट्स ये रेडी हो जाती है। चलिए आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। लिए मैंने लिया है 1 कप बोनलेस चिकन और इसे मैंने स्लाइस कट कर लिया है। इसी तरह मैंने शिमला ली है, उसे भी स्लाइस कट कर लिया है और 1/2 कप शिमला ली है। 1 कप मैंने गाजर ली है, इसे भी स्लाइस कट कर लिया है और जो मैंने बंद गोभी है उसे भी ब्रीक कट कर लिया है। और सबसे पहले हम करेंगे चिकन की मैरिनेशन। चिकन की मैरिनेशन के लिए मुझे चाहिए 2 टेबलस्पून मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है सॉल्ट, मैंने ली है सफ़ेद मिर्च। और इसके बाद हमें जो चिकन की बनाने के लिए चाहिए उसमें हमें जो स्पेगेटी के तैयार करने के लिए चाहिए स्पाइसेस वो हैं 1 टेबल स्पून भर के मैंने फाइनली चॉप्ड लहसुन लिया है और इसमें मैंने लिया है 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून जो है मैंने ब्लैक पेपर ली है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ली है, 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट लिया है। और चलिए आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पानी लिया है, इसमें 2 ड्रॉप्स डाल देंगे ऑयल के और जैसे पानी बॉयल होगा इसमें हम स्पैगेटी ऐड कर देंगे। पानी बॉयल हो गया, इसमें हम स्पैगेटी ऐड करेंगे। मैरिनेट करेंगे चिकन को। मैरिनेट करने के लिए इसमें सबसे पहले हम कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, सफेद मिर्च और इसमें हम नमक ऐड कर देंगे और इसे हम मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसमें जितनी जरूरत है उस हिसाब से पानी इसमें ऐड करूंगी। इसमें जो है अच्छे से मिक्स चिकन को मैंने मैरिनेट कर लिया है और अब हम इसे फ्राई करेंगे। सबसे पहले इसमें मैं 3-4 टेबलस्पून जो है वो ऑयल ऐड करूंगी और इसमें आप चिकन पीसेस क्लिक करके हम फ्राई करेंगे। क्लिक करके चिकन पीसेस को फ्राई कर लेंगे।
वेजिटेबल चाउमीन। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।